गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, दिल्ली फ्रेश मार्केट में आप सभी का स्वागत है। 12 तारीख दिन शुक्रवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों आज जो है धूप भी अच्छा निकला हुआ है जी, और हवा भी अच्छा चल रहा है, तो इस कारण जो है मौसम का जो है बैलेंस बना हुआ है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। मंडी के अंदर तो जानेंगे आज का फल का भाव। दो सौ रुपया जी, दस रुपया जी, दस रुपया जी, दो सौ दस जी, दो सौ बीस जी, दस के इधर बीस, आप कितने लोग हैं, दस के इधर बीस, ग्यारह ग्यारह कर लो ना भैया, अभी भी हाँ जी हो गई नहीं यार, रिश्ते भी हो रहे हैं, काम होता है। अरे दो मेरी नहीं, नहीं ग्यारह के इधर बीस, ग्यारह के इधर 220, 30 है किसी के, सबके 30 यार, जो कमी है बढ़िया माल, 220 हो रहे हैं जी, सबके 220, 30 है किसी के, 22 है ये, हाँ जी दे रहा हूँ, 30 है भेजो, 220 रुपए की, जावे हाँ जी, 11 के इधर 30, 11 इधर 30, उठाओ 11 तुम उठाओ, 11 तुम उठाओ, चलो दोस्तों ये जो लाट है 230 रुपए का बिका है। बोलो। और विक्की भाई की आदत पे जो है केला भी आया जी, और सेब भी है इनके पास, बब्बू गोसा अनार और पाइन एप्पल, आज जो है कई सारा वैरायटी आया जी सर के पास। दोस्तों कई व्यूअर्स पूछ रहे थे ये केजी वाला केला दिखा दो, तो दोस्तों ये केजी वाला जो केला है ये बॉक्स वाला आता है जी, ना कि क्रेटो वाला। ये जो बॉक्स में केला रहता है ये केजी के हिसाब से मिलता है, लेकिन जो है आपको पूरा बॉक्स लेना पड़ेगा। इसमें जो है दर्जन करीब 8 से लेकर के 13 दर्जन तक निकलता है, बाकी सर से पूरा जानकारी ले लेंगे। भैया आज जो है अमरूद अपने पास कौन से एरिया से आया जी, और हाईएस्ट क्या रेट बिका जी? अमरूद तो आज सखानो बदायूं की है ये, आज तो बाजार ठंडी पड़ी है, बहुत ज़्यादा सस्ती बाजार है, 200 से लेकर 250 रुपये तक की बिक रही है बस आज। ऊंचा क्या रेट बिका जी अपने पास जो एकदम? तो 400-300 बिकी है, बाकी सब 200-250 ही है, 210-230-450 चल रहा है, 200-250 तक का। अच्छा जी, और ये सेब कौन सा है? सेब ये 6 किलो वाला है, ये शिमला का है, ये बिक रहा है 400 रुपये का। अच्छा जी, और ये वाला, ये बक्से वाला 10 किलो वाला है, ये 700-800 का बिक रहा है, और जो 25 किलो वाला है ये 1700-1800-2000 के आसपास। साइज कौन सा सर? साइज इसमें सब है, 150-175 और 240, तीन साइज है अलग अलग। अच्छा जी, और रेट सेम ही है जी? हाँ रेट थोड़ा भाई तो कह रहे हैं 1600-1700-1800 रुपए के आसपास का अंतर है। अच्छा जी, और केला? केला भैया आज बाजार पिट गई, वरना बिकता तो ये 500 था, आज तो 350-400 ही बिक रहा है। अच्छा जी, इसमें वजन कितना रहता है सर? जो वजन होता है आपका 13 किलो। 13 किलो ले लो। और दर्जन? दर्जन इसमें किसी में 8 होगा, किसी में 9 होगा। अच्छा, बढ़िया एक नंबर केला है। अच्छा जी, और अपने पास जो बब्बू गोसा है सर, वो कौन से? बब्बू गोसा सब कश्मीर का है सारा। अच्छा, ये आपका या ग्रेडिंग का हिसाब रहता है? सब ऐसे ही है सब, आज तो हल्का ही माल है, बी ग्रेड का माल है सारा, ये 500-600 ये बिक रहा है। अच्छा जी, जो ए ग्रेड का माल होता है, ए ग्रेड का 700-800 रुपए के, 900 रुपए के आसपास। वजन कितना होता है इसमें? वजन इनमें होता है 18-20 किलो। और अनार क्या रेट बिका जी, और कौन से एरिया? अनार तो अपना बस यही का आया हुआ है नासिक का, और ये बिक रहा है आपका जो है 600-650। अच्छा, साइज कौन सा सर? साइज देख लो यार, साइज का आसपास है, क्या साइज का? 60 दाना है जी। अच्छा जी, और ये पाइनएप्पल कौन सा है जी अपने पास? पाइनएप्पल तो जो आया हुआ है बस। अच्छा जी, राजा क्या रेट बिका सर? 10-12-15 रुपए पीस बस। अच्छा जी, पीस के हिसाब से दे रहे हो या क्रेट के हिसाब? क्रेट, एक क्रेट में 10 होते हैं, पीस का ही रेट हो, खुलता है बिकता तो 10 के 10 के हिसाब से ही है। और भी कुछ है जी अपने पास? मैक्सिमम बस यही है, अमरूद है, अनार हो गया, सेब हो गया, केला हो गया। बब्बू गोसा हो गया। साफ नंबर 197 विक्की भाई, 9899793731। अच्छा सर जी, एक चीज और बता दो, मंडी में जो है टोटल आज अमरूद का गाड़ी कितना था जी? कहाँ है आज अमरूद, 2-3 गाड़ी है लेकिन ग्राहक ही नहीं है आज, कुल 3 गाड़ी है उसमें भी ग्राहक ही नहीं है आज। अच्छा, मंडी में जो है सर उठाओ, कब तक आने का चांस है? दो परसों से आ जाएगा सारा। धन्यवाद जी। दोस्तों सर की आदत पे जो है आज लगाए जी सेब का गाड़ी, इनके पास जो है लूज माल भी आया है, और पेटी वाला भी आया है जी। क्या चाहिए?
नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आज जो है अपने पास टॉप क्वालिटी माल जो क्या रेट बिका जी सेब? टॉप क्वालिटी बक्से आया जी 1500-1400 रुपए। अच्छा जी। 28 साइज कौन सा सर? साइज है 175-125 150। कितने लेयर में सर? लेयर में नहीं, ये होता है सिक्स लेयर आया है। अच्छा जी। सिक्स लेयर बिक रहा है 1200 रुपए। अच्छा जी। और ये फाइव लेयर में सर 150 दाना? ये 1400 रुपए। अच्छा जी। और 125 दाना सर जी? वो भी 1400 रुपए। अच्छा जी। कौन से एरिया का माल है जी? ये कहाँ का? कुल्लू का। कुल्लू वाला है जी। और ये लूज क्रेटो वाला जी? ये भी कुल्लू का ही है जी। ये क्या रेट बिका जी? और इसमें भर्ती कितना होता है? ये बिक रही है 600-650 18 किलो 20 किलो। अच्छा जी। और ये वाला पिट्टू साइड? पिट्टू साइड वो 1200 रुपए। अच्छा। इसमें वजन कितना होता है सर? 28 किलो। 28 किलो। अच्छा जी। आज सर जी उठाओ कैसा रहा जी इस सेब में? आप मंदा है जी बिल्कुल, मंडी में ग्राहक ही नहीं है बिल्कुल यार, तो देख रहे हैं। अच्छा जी। ये मंडी खुलने का चांस कब तक है सर? ये 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद तो खुल जाएगा जी। हाँ। अच्छा जी। सर जी एक बार जो है आड़त नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। दुकान नंबर 336 केशवपुर सब्जी मंडी 9213174500 9213291716। ओके जी, धन्यवाद सर जी। दोस्तों सर के आड़त पर जो है केवल आज बब्बू गोसा आया जी और कई सारा मेला है इनके पास बब्बू गोसे का। बाकी सर से जान लेंगे जी क्या क्या रेट खुला है इनके पास बब्बू गोसे का। नमस्कार सर जी। नमस्कार भाई साहब। सर जी आज जो है अपने पास कई सारा लाइन लगा जी बब्बू गोसा भैया मंदा हो गया आज, ग्राहक है नहीं, नकली ग्राहक था ना आज ग्राहक है। त्योहार से फर्क ज्यादा। ये मंडी जो है सर 15 अगस्त तक खुलेगा प्रॉपर? हाँ 15 अगस्त के बाद ही चलेगा काम। सर जी आपने कई लाइन लगा रखा सर, क्वालिटी अलग अलग है क्या? सब अलग अलग है, बिकी नहीं रहा, उतारी जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, आज बिक नहीं रहा, ग्राहक ही नहीं है। अच्छा। हाईएस्ट क्या रेट खुला जी? हाईएस्ट 1100 रुपए का, 1100। अच्छा। और नीचे में सर? नीचे में कोई रेट ही नहीं है, जहाँ तक बिक जाए 500-400-600। अच्छा जी। बढ़ती कितना आ रहा है जी क्रेटों में? बढ़ती हमारी में तो 28-30 किलो आ रहा जी। अच्छा जी। बड़ी क्रेट है? बड़ी क्रेट है ये। सर जी बब्बू गोसा जो है ये कितना दिन चलेगा जी? बब्बू गोसा तो चलता ही रहेगा, अभी तो 1-1.5 महीना चलेगा ये। अच्छा। कश्मीर वाला? हाँ कश्मीर वाला। अच्छा। इसके बाद दूसरा एरिया भी आता है जी बब्बू गोसे में? बब्बू गोसा कश्मीर ही चलेगा, दूसरे एरिया तो खत्म हो गए, हिमाचल हिमाचल खत्म हो गए सब। अच्छा जी। और ये कश्मीर वाला भी जो है 1.5-2 महीने के बाद? हाँ हाँ 1.5-2 महीने चलेगा। अच्छा जी। अब थोड़ा कम हो जाएगा, अभी स्टोर लोग डालने लग जाएंगे। अच्छा। फिर सेब चालू हो जाएगा कश्मीर का। सर जब कोल्ड स्टोरेज में ये जाने लगता है जी तो उसके बाद उठाओ आता है जी? हाँ महंगा हो जाता है, रेट तो महंगा हो ही जाएगा। अब कम हो जाता है जी मंडियों के अंदर, कमाने लग जाएगा, फिर वो दिवाली पे वही दिवाली पे निकालते हैं लोग। अच्छा जी। एक बार जो अपना आड़त नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। दुकान नंबर 341 केशवपुर मंडी, कॉन्टैक्ट नंबर है 9250780944। ओके जी, धन्यवाद सर जी। दोस्तों सर के पास जो है सेब का गाड़ी आया था जी, ये जो है लगभग पूरा खाली हो चुका है, कुछ ही क्रेट बचा हुआ है। बाकी सर से जान लेंगे क्या रेट बिका है इनके पास और कौन से एरिया का माल था। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। आज जो है अपने पास क्या रेट खुला जी सेब? बाबू जी सेब खुला आज 500 रुपए से लगा के 800 रुपए तक। अच्छा जी। नीचे में 800 रुपए बिका जी, नीचे में 500। हाँ जी हाँ जी। ये क्वालिटी बी ग्रेड है भैया, कुल्लू। एक ग्रेड वाला आज बिक गया। अच्छा जी। बिक चुका है वो, क्या रेट बिका सर? वो बता दो 800 रुपए। 800 रुपए तक हाईएस्ट गया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा अपने क्रेटो लो। हाँ जी सर जी। भरते कितना आ रहा जी क्रेटो में? 20 किलो। 20 किलो आ रहा जी। हाँ जी। कौन से एरिया का सर? कुल्लू। अच्छा ये कुल्लू वाला माल है? कुल्लू का जी। ये कितने दिन चलेगा जी? कुल्लू वाला तकरीबन चलेगा 2 महीने अभी। 2 महीने जी। हाँ जी। अच्छा इसमें जो है सर ये कलरफुल माल है, बढ़िया माल कब आना स्टार्ट होगा? भैया कलरफुल ही आ रहा है वो, तो अपनी क्वालिटी के ऊपर जैसी खरीदारी करोगे वैसी माल आएंगे, कलरफुल तो आ रहे हैं इस टाइम। अच्छा, मंडी के हिसाब से मतलब जैसा मंडी में बिकता हो उसी तरह का माल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर जी एक बार जो है अपना आड़त नंबर और मोबाइल नंबर बता दो। दुकान नंबर 90 और 9999310010। धन्यवाद। दोस्तों भाई साहब के पास जो है पपीता केशवपुर मंडी के अंदर 12 महीने मिल जाएगा जी, और बाकी जो है सर बीच बीच में 2-4 फ्रूट और भी लाते रहते हैं, लेकिन पपीता जो है इनके पास 12 महीने मिलेगा आपको केशवपुर मंडी के अंदर। बाकी आज जो है इनके पास शारदा है जी, तरबूज है और ये लूज में सेब है।
सर जी आज जो है अपने पास पपीता कहाँ का है जी और क्या रेट खुला जी? पपीता कठोर का है। क्या रेट खुला सर? पपीता 200 रुपए खुला। अच्छा जी 200। ये सेम ही बाजार चल रहा है जी कल का भी और आज का भी? हाँ, बाजार तो सेम है। अच्छा जी, जैसा कि सर पीछे तेज देखने को मिल रहा है तो इधर प्रभाव नहीं पड़ा जी अभी? प्रभाव क्या, पूरी मंडी खाली पड़ी है। नहीं ये पपीता में पीछे तेज देखने को मिल रहा है सर? तो तेज है, जब मंडी में ग्राहक ही नहीं है तो कहाँ इसको बेचेंगे, मंदा बेचना पड़ता है। अच्छा जी, नहीं तो सड़ जाएगा कल ये। हाँ जी हाँ जी, ये तो है, हो जाएगा। अभी नया फसल कहाँ का चलेगा जी? ये कितने दिन चलेगा कठोर वाला? अभी चलेगा एक डेढ़ दो महीने चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद देखो कौन सा जंगल आएगा कर्नाटक से। अच्छा जी, और ये जो लूज वाला सेब है सर ये क्या रेट खुला जी और वजन कितना है इसमें? इसमें वजन 20 किलो माल माल है। अच्छा जी, इसमें 3 स्टार है, 4 स्टार है और 2 स्टार। अच्छा जी, 3 स्टार क्या रेट है जी? 3 स्टार बिका है 1200 रुपए का। और 2 स्टार? 2 स्टार 1000। और 1 स्टार क्या रेट बिका सर? 4 स्टार बिका है। 4 स्टार है जी, 1250 का। अच्छा जी, इसमें वन नहीं है? वही वन नहीं है। अच्छा जी, और शारदा 200 रुपए। कौन सा सर? संतू। और तरबूज? तरबूज 25 रुपए। कहाँ का है ये, आंध्रा वाला है या फिर? वाला है। अच्छा जी, और सर पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते बाजार कैसा रहा जी? इस हफ्ते तो बाजार बिल्कुल डाउन है। अच्छा, और अगले हफ्ते से उम्मीद है जी बाजार उठने का? संडे के बाद काम चलेगा। अच्छा जी, एक जो गए हुए हैं ना घूमने। हाँ जी, लौटाएंगे वापिस। हाँ जी, मतलब 15 अगस्त के बाद? अच्छा, काम के बाद बढ़िया से चलेगा काम। अच्छा जी, सर जी एक बार आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। 144 नंबर दुकान, 82 87 99 06 95। ओके जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद दोस्तों, आरत नंबर 111 सर के पास जो है 7-8 महीने जी लगातार अमरूद आता है और बाकी 3-4 महीने जो है अदर फ्रूट बेचते हैं ये। बाकी आज जो है सर के पास सेब आया है और जान लेंगे सर के पास जो है क्या भाव खुला और कौन से एरिया का माल है। नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर जी आज जो अपने पास कौन से एरिया का माल है जी और क्या भाव बिका जी? कुल्लू का। अच्छा जी, ये ग्रेडिंग के हिसाब से है या सर? जैसा माल वैसा भाव है। अच्छा जी, ये हरे वाला जो है सर? ये हरे वाला अपने बिहार में ज्यादा चलता है। अच्छा, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है। अच्छा जी, हाँ बिहार में ये 50 रुपए बिक रहा है, यहाँ 15-16 रुपए मांग रहे। अच्छा जी, वैसे क्या रेट बिका सर ये बॉक्स? यही 500 रुपए का। 500 रुपए? 500-600, वजन 15 किलो है। अच्छा सर, इसमें साइज का भी हिसाब किताब है जी? साइज एक ही है, मोटा छोटा सब एक ही भाव बिकता है। मिक्स है जी। हाँ जी। और ये वाला सर? ये वाला भी है, रंगीन सेब है, ये 500 रुपए का, 600 रुपए का। और उधर जो सर लास्ट में? उधर क्रेड है वो 1000, 1100, 900, जैसा माल वैसा भाव। अच्छा जी, इसमें भी क्वालिटी के हिसाब से? क्वालिटी के हिसाब से भाव अभी। क्रेड वाले में भर्ती कितना है सर? 20 किलो 21 किलो। अच्छा जी, अपने पास जो है टॉप क्वालिटी भी माल था जी? बढ़िया माल, वो क्रेड में ही अच्छा माल था, डब्बे वाला था बढ़िया, वो बिका है 900 रुपए का डब्बा बिका है। अच्छा जी। हाँ जी, उसमें वजन कितना था सर? वजन यही होता है 18 किलो होता है। 18 किलो था, यानी कि 50 रुपए 60 रुपए किलो मान के चलो आपसे। अच्छा, बढ़िया सेब हल्के वही 15-16 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए। अच्छा बस सर जी, एक बार जो है आरत नंबर और मोबाइल नंबर? शॉप नंबर 111, मोबाइल नंबर 99 99 21 22 00। धन्यवाद, थैंक यू भैया। दोस्तों कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है कई वीडियो में आवाज़ नहीं आ पाए तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। केला जो है आज बिका है जी 450 से लेकर के 550 रुपये, जिसमें जो है 15 दर्जन 12 दर्जन और 18 दर्जन सभी आ जाएंगे जी। सर जी सेब जो है कहाँ का और क्या रेट बिका जी? सेब कुल्लू का है और इसका दाना है ये 1700 रुपये का है। अच्छा जी, सेमी साइज है सब? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, भर्ती कितना होगा सर इसमें? भर्ती 26 किलो। कितने लेयर में? 5 लेयर में। अच्छा जी, एक बार जो है अपना आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। सुधीर कुमार, कॉन्टेक्ट नंबर 9015734700। ओके जी, धन्यवाद जी। दोस्तों आरत नंबर 7 सर के पास जो है आज केवल आम आया जी, बाकी सर से जानकारी ले लेंगे क्या रेट इनके पास माल बिका हाईएस्ट। सर जी आज जो है अपने पास आम कौन कौन सा वैरायटी आया जी और कौन से एरिया का माल आया है? आम सहारनपुर का चौसा ही है। अच्छा जी, क्या रेट खुला जी? जो टॉप एकदम टॉप माल था आपके पास वो क्या रेट बिका? तो माल 2000 रुपए से 2500। अच्छा जी, 2000 से लेकर के 2500। और जिसमें सर वो काले दाग धब्बे आते हैं जी? इसका मीडियम 1500। 1500 रुपए। और पका हुआ आम भी आया था जी आपके पास? पका आम नहीं। अच्छा जी, आज पका हुआ नहीं आया जी, टपका आम। अच्छा, एक बार अपना जो है आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। महेंद्र कुमार एंडसन, दुकान नंबर 7, मोबाइल नंबर 9 0 0 5 0 1 0। ओके जी, धन्यवाद जी।
दोस्तों आज जो है एक रिटेलर कस्टमर से मिलवाने जा रहे हैं जी, जो मंडी से माल लेकर के जाते हैं और रिटेल में बेचते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और अपना नाम बता दीजिए और कौन से एरिया में माल बेचते हैं सर? सुल्तानपुरी। अच्छा सर जी, यहाँ से जो माल लेकर के जाते हैं कौन कौन सा फ्रूट लेके जाते हैं और घर तक जो है कितना खर्चा पड़ जाता होगा? भाई जी ऐसा है, अमरूद भी ले जाओ, आम भी ले जाओ, सेब भी ले जाओ। अच्छा जी, पर क्रेट पे जो है सर कितना खर्चा आ जाता है? बहुत ले रहा है, 8% चुंगी भी निकाल रहा है। नहीं मतलब टोटल जो है आपको यहाँ से लेकर के मंडी के खर्चा से लेकर के आपके घर तक गाड़ी वगैरह का लगा करके पर क्रेट पे या किलो के हिसाब से बता दीजिए कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसा है जी देखो, वो तो माल का प्रभाव है, हम 400 रुपये की लेंगे तो पड़ेगा 40 रुपये खर्चा प्लस 20 रुपये किराया, 60 रुपये पड़ जाएगा, 460 रुपये की हो गई। अच्छा जी। हाँ, एक नग पे जो है 60 रुपये करीब खर्चा आ जाता है घर तक। अच्छा जी। और सर जी आप जो है वहाँ पे लोकल मंडी में बेचते हैं, वहाँ पे जो है क्या क्या चुनौती देखने को मिलती है जी? वहाँ 70 ग्राहक आवे, कठिनाई क्या क्या पड़ता है सर बेचने में? भैया बहुत घटना, आपको तो फ्री का खाने वाला आ जाएगा, कौवा पी का आ जाए, एक अमूद के दो भाई समझे, ये चक्कर है भाई साहब, बहुत सौ मांगे मान लो हम 40 पड़ रहा था 30 मांगे। अच्छा जी। बहुत मुसीबत से बेचना पड़ता सौदा। अच्छा सर, जैसे आप एक क्रेट माल मान लो एक क्रेट है माल आपके पास, तो उसमें कितना नुकसान जाता होगा और कितना फायदा होता होगा? नुकसान क्या है भाई साहब, 100 वाला काम है। अच्छा, कभी नुकसान भी हो जाता है कभी फायदा भी हो जाता है जी, कुल मिला करके सर मतलब घाटा तो नहीं होता ना? नहीं घाटा नहीं होता, कभी कभी हो जाता। अच्छा जी, तो वो पूर्ति भी हो जाता है जी? पूर्ति एक कराऊंगा आड़ती कराऊंगा पूर्ति में। अच्छा जी, आपसे बात करके सर जी अच्छा लगा जी। दोस्तों अगर आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना जी, और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है जी, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।